दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टिल्ट जेस, TILT JS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ HTML और CSS से बना है और आपको जावास्क्रिप्ट की सिर्फ फाइल लिंक करवानी है और यहाँ पे आपको कोई कोड नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3D डेमो आप देख सकते हैं, तो ऐसा हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने आउटपुट पे आ जाता हूँ और ये मेरा कोड है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं जब बात बताता हूँ, तो यहाँ पे एक DB में ले लेता हूँ, जिसको क्लास में दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस बॉक्स को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो इसकी जो विथ है, अभी मैं विथ दे देता हूँ 500 पिक्सल दे देता हूँ, और जो इसकी हाइट है वो मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है अभी मैं रेड देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे, ठीक है अभी आ गया है। तो इसकी भी थे थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन हमने बड़ी ले ली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, और अभी 3 की जगह में 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे इमेज फोल्डर में रखी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में सेट करवा देता हूँ। ठीक है, URL और यहाँ पे इमेज का नेम, हमारा फोल्डर था इमेजेस। ठीक है, इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इमेज आ गई है। तो अब बैकग्राउंड पोजीशन को मैं दे देता हूँ अभी सेंटर। ठीक है, जो बैकग्राउंड साइज है वो मैं दे देता हूँ कवर, सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी ये आ चुकी है, तो जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो अभी ब्लैक है, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो अभी है ब्लैक, सेव करके रिफ्रेश। तो ये ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना है, जब इस पर होवर हो तो यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे DAV में एक DAV और ले लेता हूँ, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट। ठीक है, तो इसको मैं कंटेंट दे देता हूँ, इसके मैं कॉपी करके यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर वाला है उसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बॉटम इसकी हाइट और विथ पहले सेट कर देते हैं। ठीक है, जो इसकी विथ है वो मैं लगा देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो मैं लगा देता हूँ अभी यहाँ पे 200 कर देता हूँ, और यहाँ पे जिसकी हाइट है वो मैं 150 पिक्सल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बॉक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं वाइट करवा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर है इसे मैं वाइट करवा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड इसका आ गया है, तो इसकी हाइट है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो विथ है वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 200 ही इनफ थी। ठीक है, तो इसकी हाइट है वो मैं 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और विथ है वो थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको मैं यहाँ से बॉटम में से, इसको मैं यहाँ पे बॉटम में से 0 पहले कर देता हूँ, ताकि ये यहाँ पे बॉटम पे सेट हो जाए। ठीक है, अब इसको मार्जिन लेफ्ट से, यानी कि आप सिर्फ लेफ्ट भी दे सकते हो, लेफ्ट से इसको मैं लगा देता हूँ 50%। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 50% चला जाएगा। अब उसकी विथ क्या है, 220। ठीक है, इसकी विथ है 220 अभी है, तो इसकी आधी में यहाँ पे माइनस करवा लेता हूँ। ठीक है, इसकी आधी में यहाँ पे माइनस करवा लेता हूँ, और यहाँ पे कैल्क फंक्शन लगा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश, तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी।
तो यहाँ पे बॉटम में मैंने 0 दिया है, तो इसकी हाइट है, हाइट की भी मैं आधी दे देता हूँ, -50 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें मुझे यहाँ पे H1 टैग चाहिए, ठीक है, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ टीचिंग वेब, ठीक है, टीचिंग वेब लगा दिया। और यहाँ पे जो कंटेंट है उसको मैं अलाइन सेंटर दे देता हूँ, ठीक है। जो पेडिंग है दे देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो टीचिंग वेब है उसका कलर है वो मैं स्टाइल से दे देता हूँ, इनलाइन है, ठीक है, कलर ऑरेंज। अब आप देख सकते हो, सेव करके मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं पी टैग में इसे लगा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है दोस्तों कि इसकी जो वर्टिकल हाइट है, यहाँ पे इसको वर्टिकली मैं कंटेंट को क्या करवा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म में स्केल करवा लेता हूँ, ठीक है। स्केल स्केल में आप दो वैल्यू दे सकते हैं, जो पहली है वो ओरिजेंटल है और दूसरी है वो वर्टिकल। ओरिजेंटल में मैं 100 पिक्सल 100 ही रखता हूँ, यानी कि 1, और ये दूसरी वाली है उसे मैं अभी 0 करवा देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो ये 0 हो गई। जब बॉक्स पे होवर हो, बॉक्स पे क्या हो, जब होवर हो तब जो कंटेंट है, जो ये कंटेंट है, सॉरी, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो कंटेंट है उसकी जो हाइट हमने अभी 0 करवाई थी उसे मैं 1 कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन करवा देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ ट्रांजिशन 0.5s, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करवाना है दोस्तों कि इसको एनिमेटेड हो, जब इस पर मैं ओवर करूँ तो ये 3D इफेक्ट आ जानी चाहिए, ठीक है। तो 3D इफेक्ट लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे TILT space JS, सेव करके यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में जाना है, ठीक है। अब जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे जो ये पहली वाली है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो JS है आपको कंट्रोल ए करके कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, फाइल को आपको यहीं दे देना है पास में, ठीक है। अभी मैं इंडेक्स के पास में सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे बैक जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हमें यहाँ पे इसको क्या करवाना है, सिर्फ इसकी जो ये JS है इसको हमें कॉपी करवाना है, तो यहाँ तक हमें इसे कॉपी कर लेना है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने कोड में जाके यहाँ पे बॉडी टैग के ऊपर ही इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गई है। अब यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे एक्स्ट्रा JS यहाँ पे आपको इसे निकाल देना है, ठीक है। और जहाँ सिलेक्टर है वहाँ पे आपको लिख देना है A कैपिटल और LLL, ठीक है, सेव कर लेना है। और जो ये आपका बॉक्स है तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेटा टिल्ट है यहाँ पे लिखा है डेटा TILT, इसको कॉपी करके आपके जो बॉक्स है यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब सेव करके आपको अपनी डिज़ाइन है उसे रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने डेमो दे दिया है। तो ऐसे ही कुछ नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।